नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। देखिए, यूपी पीसीएस मेंस की जो परीक्षा है हिंदी और एसए की कैंसिल कर दी गई है। और ये एक्चुअली क्या हुआ है कि आज पहले पाली में, मतलब पहले सेशन में हिंदी का था, लेकिन कुछ जगह पे इतने स्मार्ट लोग थे कि उन्होंने निबंध का प्रश्न पत्र खोल दिया, और इसी चक्कर में बहुत सारे जो एस्पिरेंट हैं उन्होंने परीक्षा का बहिष्कार कर दिया है। और आज की दोनों जो पालियाँ हैं इनकी परीक्षा निरस्त कर दी गई है। तो अब जो सेकेंड पाली में एसए के लिए देने जा रहे हैं, जैसे मेरा भी था तो हिंदी का था, मेरे में तो ठीक हुआ था यार। आज पहली बार पेपर मेरा ठीक हुआ हिंदी का, और ये तो कैंसिल हो गया यार। मतलब सबसे बड़ी बात तो ये है कि मेन बात है कि अब हिंदी का और एसे का पेपर फिर से देने आना पड़ेगा। यार ये क्या बात हुई यार, लोग कहाँ कहाँ से आ रहे हैं, बॉम्बे से आ रहा है, कोई दिल्ली से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है। कह रहे हैं आगामी तिथियों की शेष परीक्षाएँ पूर्व निर्धारित कार्यक्रमानुसार ही संपन्न कराई जाएंगी। मतलब कि जो अब ऑप्शनल वाले पेपर होने हैं आपके, सोशल वर्क, सोशोलॉजी, डिफेंस, वो सब होगा, लेकिन आज सेकेंड वाला जो पाली है वो नहीं होगा। चलिए, मैं हिंदी का पेपर तो मैं दे देता हूँ अभी थोड़ी देर में, लेकिन ये बहुत गलत हुआ है, और ये मतलब ये ठीक नहीं है ये। और मतलब अब क्या दो पेपर देने के लिए लोग फिर से आएंगे? इतनी इतनी दूर से इतने खर्चे होते हैं, पैसे, होटल लेना पड़ता है, कितनी सारी चीज़ें होती हैं, कितनी समस्याएँ होती हैं, लोगों को टाइम कहाँ है लेकिन लोगों के पास। इन लोगों को ये समझ नहीं आ रहा है, ऐसे ऐसे लोगों को रखा है। बताओ कि पेपर बाद में होना था, पहले ही खोल दिया यार, हद हो गई यार।